Now we talk about contrast. Contrast. What is contrast? Actually, contrast क्या है कि माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी जिस्म का मुतालिया करने के लिए तीन चीजें अहम होती है. माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी जिस्म के बारे में स्टडी करने के लिए तीन चीजें अहम होती है. नंबर एक मैग्निफिकेशन, नंबर दो रिजोल्यूशन, नंबर तीन कंट्रेस्ट. ये क्या है कंट्रेस्ट? वी आर टॉक्स अबाउट मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन. यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब माइक्रोस्कोप की पावर होती है जिसमें से किसी भी जिस्म का साइज बढ़ा करके देखा जाता है. जैसा कि लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसी चीज़ को 10,000 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं. एंड रिजोल्यूशन क्या होता है कि मतलब किसी भी जिस्म के कम से कम फर्स्ट रिजोल्यूशन कहलाता है. ये रिजोल्यूशन इसको देखने में करता है कि मतलब क्या आंख के ज़्यादा करते हैं, और यानी कि इंसानी आंख के मुकाबले में इसको 5,000 मरतबा, यानी कि माइक्रोस्कोप में इंसानी आंख के मुकाबले में इसको 500 मरतबा यानी कि बढ़ाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से इसको 10,000 मरतबा बढ़ाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी जिस्म को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाता है और इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है. और नाउ लेट्स टॉक कंट्रास्ट. व्हाट इज कंट्रास्ट? ये क्या है, मतलब ये दो तीन है, कंट्रेस्ट और रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन. ये तीनों क्या है कि ये क्या है माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी जिस्म का मुतालिया करने के लिए तीन अहम चीज़ें हैं. और मतलब ये जिस्म का मुतालिया स्टडी करने के लिए तीन चीज़ें अहम होती है, उनमें से कंट्रेस्ट है, रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन. कंट्रेस्ट वो कंट्रेस्ट, व्हाट इज कंट्रेस्ट? जब किसी भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग तौर पर वाज़ेह तरीके से पहचान के लिए और स्टडी किया जाता है तो इसको कंट्रेस्ट कहते हैं. ये क्या है कंट्रेस्ट? जब किसी भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग तौर पर अगर हम वाज़ेह तरीके से पहचान के लिए, अलग अलग तौर पर उसको वाज़ेह तरीके से पहचान के लिए स्टडी किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? कंट्रेस्ट कहते हैं. इसके लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसको, और स्टेनिंग कहते हैं. इस इन रंगों की वजह से इस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग तौर पर आसानी से पहचान लिया जाता है. ये कंट्रेस्ट, मतलब ये माइक्रोस्कोप के जरिए किसी चीज़ों को मतलब देखने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती है. और मैग्निफिकेशन उस चीज़ को बड़ा करना, और रिजोल्यूशन और इंसानी आंख के मुकाबले में इसको और बढ़ाना. और कंट्रेस्ट जब किसी जिस्म में यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग तौर पर वाज़ेह तरीक़े से पहचान के लिए स्टडी किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? कंट्रेस्ट कहते हैं. जब किसी भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग तौर पर वाज़ेह तरीके से, बिल्कुल मतलब वाज़ेह तरीके से पहचान के लिए स्टडी किया जाए तो इसको कंट्रेस्ट कहते हैं. इसके लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टेनिंग कहते हैं. इन रंगों की वजह से इस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग तौर पर आसानी से पहचान लिया जाता है. टेक्निक ऑफ आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल.